स्नेहा सोच रही थी मेरे लिए कुछ सरप्राइज होगा, सरप्राइज होगा, तो सरप्राइज इसीलिए मैं इसको ऐसे नीचे रूम से ऐसे लेके आया, इसको ऐसे लेके आया। दोस्तों मैं हूँ आसमान की ऊंचाइयों में सामान वामान ठीक करते हुए यहाँ, और इधर नीचे कहाँ है ये सब नीचे है कीड़े मकोड़े। मेरे सामने का कीड़े मकोड़े, आज थोड़ा सा सुबह सुबह बिजी हो गया हूँ मैं। पहले गला साफ कर लेती हूँ क्योंकि काफी दिनों से मुझे जुकाम हुआ पड़ा है, तो माइक चेक जरूरी है। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग हमारे इस मैसी मैसी कमरे से। ये देखो ये चढ़े हुए हैं यहाँ। सबसे पहले तो आसमान की ऊंचाइयों से आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोबारा करोगे, अभी रिटेक लोगे क्योंकि अच्छा नहीं हुआ आपका। क्योंकि मैंने बोला, क्या बोलते हो, रिटेक नहीं होता, ब्लॉग ब्लॉग में रिटेक रिटेक नहीं चलता। चलो काइनो हाई करो, हाई करो, चलो काइनो हाई करो, सभी को हाई बोलो, हाय या करो। फिर कैसी है ये, इतनी ढीठ है ना, जब इसका मन करता है तभी हाई करती है, तभी जय करती है। बाबू जय करो, जय करो। व्लॉग में जय करना हमने नहीं सिखाया, ये भी हमारी गलती है वैसे, बट मंदिर पे जय करती है। जब भी लेटी भी होगी बेड पे तो मंदिर की तरफ देख के जय करती है। सबसे पहले तो सूर्य भगवान आ चुके हैं और हमारा काम अभी भी बिल्कुल भी नहीं हुआ, जबकि हम 5 बजे उठ गए थे। काइनू नहीं, माई और मैं उठ गए थे, बट आज थोड़ा इनका मूड कर रहा है सफाई करने का, तो इस वजह से चढ़ गए हैं बेड पे। ऐसा हुआ है, मैस पड़ा हुआ है, और ये झूला ना हमारा काफी स्पेस खा रहा है काइनू का, जबकि काइनू इसको यूज भी नहीं कर रही है। झूले को हम फोल्ड करके रखते हैं कहीं, बट काइनू के कपड़े हैं झूले में, तो उनका भी करना है बंदोबस्त कि उनको कहाँ रखना है। काइनू, काइनू कौन है छोटा? काइनू की न्यू ड्रेस, काइनू की न्यू ड्रेस लाइट वाली है, किसी दिन दिखाएंगे कैसी है। हाँ ये लाइटिंग वाली, इसको रात में पहनने में मतलब दिखेगी इसकी लाइट्स वगैरह, दिन में तो मजा नहीं आएगा। आज सुबह सुबह ना काइनू भी काफी इंजॉय कर रही है क्योंकि उसको काफी कूड़ कबाड़ मिल गया खेलने के लिए। उसको यही चीजें चाहिए होती है, उसको खिलौने नहीं चाहिए होते। आप तो जादू दिख रहे हो टोपी ओपी पहन के। जिस टाइम पे और दिन हम लोग उठते थे ना, आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद, मतलब 1.5 घंटा जल्दी उठ गए आज हम, और पूरा रूम वूम साफ कर दिया। फिलहाल मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि रूम साफ कर दिया तो वो ज़्यादा देर टिकेगा, क्योंकि हमारे पास एक ये बिगाड़ने वाला खिलौना, बिगाड़ने वाला, ये देखो पता नहीं कहाँ से चम्मचे वम्मचे निकाली, ये बेड खोला होगा वहाँ से निकाल दिया, बेड उठाओ फिर दिक्कत। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत के बाद थोड़ा सा हमने साफ सुफ कर दिया है, ऊपर सारा सामान वामान सेट कर दिया है, नीचे सारा सेट कर दिया है। यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था, ये वाली जगह बिल्कुल बाथरूम जाने वाली जगह ही नहीं बच रही थी, तो यहाँ से झूला वगैरह जो कि किसी काम का नहीं था, सारा कुछ उठा के सेट कर दिया है। अब जाके हमारी गुड मॉर्निंग अच्छे से हुई है, अब पीते हैं एक मस्त वाली चाय। सूप पी रहे हो? कैसा लग रहा है? पिलाओ, डैडा को भी पिला दो, मम्मा को पिला रहे हो, गुड, थैंक यू। मेरे को भी पिला दो। और आज आप देख रहे होंगे कि काफी टाइम के बाद प्रॉपर एक व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा फ्री वाला डे है हमारे पास, और मेरे पास स्पेशली फ्री डे है मेरे ये पास, तो जैसे रोज फ्री होता है वैसे। ना ना तू तो बिजी हुई ना इसके साथ ही, आज भी बिजी रहेगी, मेरे पास आज फ्री डे है, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले की तरह एक बार फिर से व्लॉग स्टार्ट किया जाए। सुबह सुबह शाम तक पता नहीं कहाँ तक जाएगा व्लॉग, क्या जाएगा। स्नेहा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है मेरे पास आज, तो वो आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। चलेगा सरप्राइज जिसके लिए है उसको तो बताया भी नहीं, तो सरप्राइज ऐसे नहीं बताते हैं मैडम। तेरे लिए सरप्राइज है, मेरे को तो बताना चाहिए, वहाँ अनाउंस कर रहे हैं, पब्लिक में अनाउंस कर रहे हैं। हाँ। मुझे लग नहीं रहा है कोई सरप्राइज होगा, ऐसे फेंक रहे होंगे। सरप्राइज क्या होता है, मतलब कुछ है तेरे लिए मेरे द्वारा। कब कब दोगे? आज ही। आज ही कब लेके? शाम तक अभी बहुत समय है। तो यार बढ़िया नाश्ता वास्ता हो गया, आज नाश्ता होते होते भी काफ़ी टाइम हो गया,
ऐसा लग रहा है जैसे दिन दोपहर हो गई है, काफी अच्छी खासी धूप खिली हुई है, हैं? फिलहाल जाना है थोड़ी देर के लिए मार्केट, मार्केट के काम निपटा के आते हैं पहले। जाऊं मैं? काइनो इधर कहीं खेलने में। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो उधर? क्या आपके मुंह में दिखाओ, इसने मुंह में कुछ डाला है रे। तो यार फिलहाल मैं आ गया हूँ गंगोली हाट मार्केट में, प्रकाश दा की शॉप पर। कुछ स्पेशल है कुछ, ये देखिए, चलो ये तो बाद में दिखाऊंगा। बाकी ये प्रकाश दा की शॉप, आज मार्केट में थोड़ा बहुत चहल पहल सी दिख रही है क्योंकि मंडे है ना, तो इस वजह से देख सकते हैं थोड़ा सा चहल पहल ज़्यादा है। अभी मुझे ये फ्रेम ना घर पर छोड़ के आने हैं, लेकिन बाइक से नहीं ले जा सकता, स्कूटी ले जानी है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक मैंने स्कूटी चलाई नहीं। तो यार मस्त घर पे छोड़ दिया सामान, मतलब फ्रेम, गजब हो गया भाई। पहली बार मैंने आज स्कूटी चलाई, मस्त मज़ा आ गया। ये देखिए प्रकाश दा की स्कूटी है, इसमें लाने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था ना फ्रेम, तो इस वजह से स्मेल आया, मज़ा आ गया। स्कूटी आज लाइफ में फर्स्ट टाइम, बेस्ट एक्सपीरियंस। तो मार्केट के छुटुर पुटुर काम निपटाने के बाद हम पहुँच गए घर पे। ये देखो मार्केट से मैं लाया हूँ आलू टमाटर ही है फिलहाल तो। और क्या था, और भी कुछ लाया था मैं, और कुछ था ये, बहुत काम की चीज, छोटी छोटी चीज़ें स्नेहा मंगाती रहती है। ये है मशीन की सुई, प्लस ये कुछ फ्रेम व्रेम है जो मैंने दिखाए थे आपको, ये बनाए थे, दिखाऊंगा अभी बाद में। स्नेहा लोग तो पता नहीं कहाँ ही बिजी है, ऊपर होंगे छत में शायद, धूप वगैरह सेक रहे होंगे। धूप भी आजकल सेकने लायक नहीं है, इतनी कड़क धूप लग रही है दोपहर में, मतलब गर्मी सी फील हो रही है। फिलहाल कुछ लंच की तैयारी करते हैं, आज स्नेहा को मैंने बोला था कि लंच मैं बनाऊंगा, तो लग जाते हैं। यहाँ तो हालत ख़राब है अभी। ये देखिए काइनो के फर्स्ट बर्थडे पे ये बनाने को दिया था, तो आज आया है ये बन के। तो ये देखिए सुंदर लग रहा है, इसमें काइनो फर्स्ट मंथ, सेकेंड, ऐसे करके पूरे 11 महीने, फिर लास्ट बर्थडे में काइनू ऐसी थी। तो ऐसा कुछ कोट्स यहाँ पे लिखवा लिया था, तो कुछ ऐसा बना है फ्रेम, अच्छा लग रहा है। अब इसको लगाएंगे कहीं यहाँ पे या कहीं पे। गजब की शाम है भाई, ये शाम मस्तानी, मैंने जो मद हो जा रहे, मुझे हाथ हुए जा लोगों में। मैं क्या सोच रही हूँ पता, मैं कह रही हूँ कपड़े भी डंके नहीं है, कहीं कुछ कर रखा होगा अरेंजमेंट ऊपर। भाई दिन भर बिजी होने के कारण सुबह से देखो शाम हो गई है, और स्नेहा सोच रही थी मेरे लिए कुछ सरप्राइज होगा, तो सरप्राइज इसीलिए मैं इसको ऐसे नीचे रूम से ऐसे लेके आया, इसको ऐसे लेके आया इंडोर से आउटडोर में लेके, आउटडोर में कुछ निकला नहीं। तो ऐसा कुछ, इसको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है सरप्राइज के लिए, सरप्राइज थोड़ी होता है, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होता है वैसे। क्यों नहीं होता, कंट्रोल के लिए होता है। लेकिन मैंने पहली बार, मतलब पता ही है तेरे को मैं गाने वाने जब गाता हूँ तो कैसे गाने गाता हूँ, मतलब मैं गाता हूँ जैसे धूम मचाले गाऊंगा, तो उसके साथ साथ खजरारे भी आ सकते हैं। बाप रे बहुत तेज हवा चल रही है भाई साहब, सरप्राइज है कि मैंने पहली बार तेरे लिए कोई गाना रिहर्स किया है। रिहर्स किया है? रिहर्स किया मतलब सही गाओगे? हाँ सही गाऊंगा। चलो ठीक है, यही तो गाना है, वो क्या बोलते हैं हरियाणवी। पहले ही चीयरिंग करने लग गई है। चीयर अप मम्मा के लिए गाना लिखा है मैंने। तो गाना है, गाने के बोल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए आप लोग भी। एक्साइटमेंट देखो। तीन दांत वाला बच्चा। तो गाना है आई थी सिंगल हाडी रे, खा खा के हो गई थाडी रे। ये क्या है? ये देख ताली बजा रही है।
पसंद आया ना, ये क्या है? काइनू को पसंद आ गया ना बस। पहले आप बताओ, तेरे को समझ नहीं आया? आई थी सिंगल हड्डी, हड्डी हड्डी मतलब पतली आई थी। हड्डी क्या है फिर? हिंदी में बता देता हूँ, आई थी सिंगल हड्डी, खा खा के हो गई मोटी। काइनू मजा आया ना, ताली दो। हाय भाई, हाय भाई, हाय भाई, चलो हाय भाई, हाय भाई करो, मोटी बोल रहे हैं। हाय फाई तो करो फिर। तेरे पापा ने कुछ खिलाया नहीं था, नानू ने कुछ खिलाया नहीं था, पतली। चलो हाय फाई, हाय फाई, और हम लोग ने खिला पिला के मोटा बना दिया। उसको कहीं और ही जाना है, हाय फाई भी नहीं करना है। तो कैसा लगा? मस्त लगा ना, पहली बार तेरे लिए कुछ लिखा था मैंने। दिन भर सरप्राइज के नाम पे आपने जो मेरी बेइज्जती करवाई है। आई थी सिंगल हड्डी रे, खा खा के हो गई थाडी रे। ज्यादा खिला दिया। और ये रे वाला वही नहीं है इसमें, लेकिन मेरा निकल रहा है ऐसा। क्या है फिर इसमें? ये गाना कुछ अच्छा, मैं आपके लिए मैं भी देती हूँ। मांगा था सिंपल, नहीं यार, मांगा था सिंपल वाटर ले, यू अनपढ़ लाया टमाटर। क्या था ये? क्या है ये जो आप गा रहे हो ना हरियाणवी? आई थी सिंगल हड्डी वाले का मैंने उस पे रील पे देखा है, मुझे सॉन्ग वॉन्ग कुछ पता नहीं है। मैंने भी रील पे ही देखा था। तो आपका आपके क्या, लिए क्या बोला तूने? मंगा था सिंपल वाटर ले, वाटर ले यू। दोबारा दोबारा एक बार, वंस मोर, ठीक है? मंगा था सिंपल वाटर रे, यो अनपढ़ लाया टमाटर। मेरे से लेकिन फ्लो नहीं हो पा रहा। अच्छा। टमाटर रे, तो अगर आप मुझे क्या बोले थे, थाड़ी थाड़ी बोल रहे थे, तो आप अनपढ़। कहने को मजा आया? कहने मजा आया, ऐसा सरप्राइज देते हैं तेरे टाइम पे, बिल्कुल मजा नहीं आया। क्योंकि मैं गा ही नहीं पाई यार ढंग से, मैं अपना प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं दे पाई। सोच रही हूँ मैं, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा खुद तो इन्होंने ठीक ही पहन रखा है, मेरे को कहीं ये ना बोले यार इसकी वाइफ ने ये क्या पहन रखा है ये चीज है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, मेरे कपड़े बेटर है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो ऐसा ही खाली मजाक मस्ती, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।